लेकिन सबके सब चोर हैं, सबके सब गलत हैं, सबके सब बुरे हैं, ऐसा बोल करके वो कहाँ आकाश से अच्छा उतारेंगे। मनसा यही होती है कि जब सभी चोर होंगे तो मैं एक अकेला ईमानदार माना जाऊंगा, लेकिन सबको एक धड़ल्ले से ये कह देना तब तो ये दृष्टि दोष है। उनका जो बयान है कि हम सरकार है चोरों के, किस तरीके से देखते हैं? क्या कृषि विभाग में जितने पदाधिकारी हैं उन पर ये आरोप है, सारा है, कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार की अभी जो राज व्यवस्था जो खड़ी हुई है और जैसे लोग हैं, उन लोगों से अब क्या कहा जाए। सरकार में जो मंत्री हैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की शैली हो और ऐसी सोच हो, निम्न सोच। ऐसे में राज नहीं चल सकता और न कोई व्यवस्था चल सकती। मंत्री अगर अपने विभाग में सभी अधिकारियों को चोर बताएगा, आखिर इसके पीछे मंशा क्या होती है? मंशा यही होती है कि जब सभी चोर होंगे तो मैं एक अकेला ईमानदार माना जाऊंगा। उसके पीछे सोच यही होती है, अपने को भी उसमें शामिल होकर के यही बताने की सोच है कि मैं इस प्रकार से मैं भी उसमें शामिल हो गया और मैं भी हूँ। विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। ये बड़ी हैरतअंगेज ये बयान है या जो सोच है, ऐसे निम्न सोच से डिलीवरी नहीं हो सकती। मंत्री डिलीवर नहीं कर सकते और न परिणाम ले सकते हैं। आखिर काम किससे लेंगे, यही विचार का विषय है। मैं उस विभाग में मंत्री रहा हूँ और मैं जानता हूँ और कहाँ और किस विभाग में या हर स्थान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैंने आम तौर पर देखा है कि अधिकारी अच्छे हैं, उसमें से कुछ हैं तो कुछ हैं तो उनके खिलाफ मंत्री कार्रवाई करेंगे, पता करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन सबको एक धड़ल्ले से यह कह देना तब तो ये दृष्टि दोष है। और मैं जानता हूँ, दुनिया भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक दृष्टि दुर्योधन की है और दूसरी दृष्टि धर्मराज युधिष्ठिर की है। दोनों ही दृष्टियों से संसार देखते आया है। दोनों अपने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन सबके सब चोर हैं, सबके सब गलत हैं, सबके सब बुरे हैं, ऐसा बोल करके वो कहाँ आकाश से अच्छा उतारेंगे, किससे काम लेंगे? काम तो वहीं होना है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की सोच रख करके और कोई मंत्री जनहित की दृष्टि से काम करके और उपलब्धियों को दर्शा सकता है। सारे के सारे लोग चोर नहीं हैं और मैं नहीं मानता कि मंत्री भी चोरों के सरदार हैं। उन्होंने स्वयं अपने को घोषित किया। अब इसके पीछे क्या मंशा है, और मैंने मंशा बताया है आपको पहले कि मंशा होती है सबको चोर बता के अपने को ईमानदार लोग जाने, तो ये बताने की उसके पीछे मंशा छिपी रहती है। तो ऐसा 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 उचित नहीं होता। काम करके परिणाम दे करके अपने व्यवहारों से इस बात को सिद्ध किया जाता है।